ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, डर लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। देखो रीज़न ये भी होता है क्योंकि हमने ना इलेवेंथ को बहुत लाइटली लिया होता है, इलेवेंथ में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं ऑर्गेनिक के ऊपर, और फिर उसके बाद ट्वेल्थ में आने के बाद या फिर आगे जब हम ऑर्गेनिक को अच्छे से करना भी चाहते हैं बाकी के जो टॉपिक्स हैं तो हमसे हो ही नहीं पाते हैं। चाहे आप लेक्चर्स देख रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, समवेयर यू फील रिस्ट्रिक्टेड कि यार नहीं मज़ा नहीं आ रहा और नहीं मेरे को एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ पा रहा है। वो इसलिए होता है क्योंकि ऑर्गेनिक देखिए सब्जेक्ट ऐसा है जहाँ पर सारे के सारे टॉपिक्स इंटर रिलेटेड हैं, इंटर कनेक्टेड हैं। बहुत ज़रूरी है कि एक सही सीक्वेंस वहाँ पर फॉलो किया जाए। देखो यार इस बात को ऐसे समझ सकते हो आप कि जैसे फिजिकल है, फिजिकल केमिस्ट्री में लेट्स से मैंने सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा हुआ तो भी मैं मोल कॉन्सेप्ट पढ़ सकती हूँ, या मैंने मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ तो भी मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ सकती हूँ। मतलब वहाँ पर इंडिविजुअल यूनिट्स को थोड़ा सा एफर्ट्स अगर डाल दें तो पढ़ा जा सकता है अगर आपको पिछला पार्ट नहीं भी आता है तो। लेकिन ऑर्गेनिक में वैसा नहीं है, बहुत ज़रूरी है इस सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट बिल्ड करना। एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा ना उसके बाद आप देखेंगे कि तीनों में, ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक में, तीनों में आपका फेवरेट पार्ट और ईजिएस्ट पार्ट ऑर्गेनिक हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, एफिशिएंसी यहाँ पर आपके आंसर की अच्छी हो सकती है, तो यू नो एग्जाम में ज़्यादा चांस बनता है कि आप इस वाले पोर्शन में बहुत अच्छा और एफिशिएंटली स्कोर कर पाएँ। लेकिन जैसे मैंने कहा राइट सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है। सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो देखो पहले बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बेसिक्स बनता है वहीं 11th से जिधर हम लोगों ने गड़बड़ कर दी होती है। तो इन केस आप क्लास 11th में हैं या फिर आप 12th में आए हैं, ज़रूरी है कि आप अपने पहले फाउंडेशन को स्ट्रांग करें ऑर्गेनिक के अंदर। सबसे पहले GOC यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम सारे टाइप का इफेक्ट, कौन कौन से टाइप की रिएक्शंस होती हैं, बहुत बेसिक टर्म, रिएजेंट क्या है, सबस्ट्रेट क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स। यार जब तक हमें ये टर्म्स के बारे में नहीं पता होगा, जब तक हम इफेक्ट्स को नहीं समझेंगे तब तक आप सोच ही नहीं सकते कि आपको नेम, रिएक्शंस या बाकी का पार्ट समझ में आएगा। सो राइट सीक्वेंस कैसे बनता है, पहले GOC करिए, IUPAC आइसोमेरिज्म करिए, एंड देन कंटिन्यू विद हाइड्रोकार्बन, अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड्स, देन यू नो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, फिर तो सब कुछ कर लो यार, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स वगैरह, फिर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड आपकी प्रॉब्लम को थोड़ा आसान करने के लिए व्हाट आई हैव प्लान्ड इज दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस यू नो 4-day सीरीज इन दी स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास आपकी फ्री क्लासेस होती हैं जिसको कोई भी अटेंड कर सकता है, आपको सिर्फ ये कोड यूज़ करना है AKA Live और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर उसमें एनरोल करा देना है यूजिंग द सेम कोड। ये आपका 4-day क्रैश कोर्स है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ही। तो GOC में जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जितना ज़रूरी है आगे के चैप्टर्स को पढ़ने के लिए, वो सारा हम ये 4 दिन में कवर कर लेंगे विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। देखिए GOC की बात की जाए तो यार ये नेवर एंडिंग टॉपिक है, ये शुरू कहाँ से है कोई नहीं बता सकता, ये खत्म कहाँ है कोई नहीं बता सकता, इसमें आप कितना भी डीप जा सकते हो, बट टोटली ये समझते हुए कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और आपके लिए आगे के चैप्टर्स पढ़ना आसान हो जाए, दैट इज हाउ वी आर स्टार्टिंग दिस यूनिट इन दी स्पेशल क्लास। आई एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ एंथुजियाज्म एंड यू नो दैट गुड पार्टिसिपेशन फ्रॉम योर साइड। सो आई सी यू ऑल इन द क्लास। द क्लासेस विल बी एट 4:45 PM। स्पेशल क्लास है, फ्री क्लास है, विल सी यू ऑल देयर। थैंक यू एंड गुड लक।